नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी के सांसद जो कॉक्स की सरेआम चाकुओं से गोदकर हत्या। यूरोपीय यूनियन की समर्थक थी कॉक्स। हत्या के आरोप में 52 वर्षीय व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। भारत से रक्षा सहयोग बढ़ाने वाले प्रस्ताव को अमेरिकी सीनेट ने दी मंजूरी। अमेरिका के उच्च सदन ने 85-13 के भारी बहुमत से किया मंजूर। सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी के संबंध में दोनों देश एक दूसरे को कर सकेंगे मदद। पठानकोट आतंकी हमले की जांच कर रही ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का दावा। हमले का सूत्रधार और जैश ए मोहम्मद का आतंकी पाक के कबायली इलाके से फरार। फरार आतंकी अफगानिस्तान पहुंचा। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने एक पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, पाक को बर्दाश्त नहीं होती भारत अफगानिस्तान की दोस्ती। अफगानिस्तान को नए सिरे से बनाने में भारत ने की है मदद। ऑरलैंडो में समलैंगिकों के नाइट क्लब का हमलावर उमर मतीन ने हमले से पहले दी थी खुली धमकी। फेसबुक पर डाला था धमकी भरा पोस्ट। अगले कुछ दिनों में आईएस करेगा अमेरिका पर हमला। गे मैगजीन के कवर पेज पर दिखाई देंगे प्रिंस विलियम। समलैंगिक पत्रिका के कवर पेज पर आने वाले शाही परिवार के प्रथम व्यक्ति होंगे विलियम। एटीट्यूड मैगजीन के जुलाई संस्करण के कवर पेज पर दिखाई देंगे।